नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 जनवरी गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले आइए चलते हैं प्रमुख हेडलाइंस की ओर। कोहरे के आगोश में गणतंत्र दिवस की धूम, बस ने बाइक सवार भाइयों को रौंदा, दोनों ने दम तोड़ा। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं के बीच जमकर चले घूसे और लात, सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में, अब खबरें जानते हैं विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुरुवार को कोहरे की आगोश और ठंड के बीच 74वें गणतंत्र दिवस पर्व की धूम रही। दशहरा मैदान पर हुए मुख्य समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड को सलामी दी और गुब्बारे भी उड़ाए। इस दौरान बच्चों की प्रस्तुति में संस्कृति की झलक और देशभक्ति का जज्बा नजर आया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह 9 बजे दशहरा मैदान पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। तत्पश्चात पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। फूलों से सजी जीप में उच्च शिक्षा मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इस बीच झांकियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जिसमें हमारी संस्कृतियों की झलक के साथ देशभक्ति का जज्बा भी नजर आया। अंत में पारितोषिक वितरण समारोह हुआ। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उपस्थित रहे। इसी तरह देवास रोड स्थित मलय परिसर में सिटी प्रेस क्लब सदस्यों ने 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन कर आजादी का जश्न मनाया। ध्वजारोहण सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने किया। सेवा दल के सदस्यों ने राष्ट्रगान गाकर माहौल को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। वहीं तरणताल स्थित प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पुरोहित और डॉक्टर नरेंद्र चौकसी ने ध्वजारोहण कर पर्व की खुशियां मनाई। नगर निगम में महापौर मुकेश चटवाल और निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को महापौर सहित निगम अध्यक्ष कलावती यादव और नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने संबोधित किया। सिविल हॉस्पिटल में भी गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हुआ। आरएमओ डॉक्टर भोजराज शर्मा के साथ नर्सिंग स्टाफ ने गायन के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। हम शहर वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, आचार विचार व्यवहार ये अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है और यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। माधवनगर थाना स्टाफ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर थाना परिसर में पर्व की खुशियां मनाई। इसके लिए पूरे थाने को तिरंगे की थीम पर सजाया गया और देशभक्ति के गानों पर स्टाफ जमकर झूमा। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया, हमारे राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए थाने को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया और जमकर जश्न मनाया। जैसा कि मालूम है कि भारत जो है त्योहारों का देश है, धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, तो धार्मिक त्यौहारों में पुलिस जो है पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता अपने परिवार के साथ में, तो ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त, इसमें पुलिस आर्मी अर्धसैनिक बल जो है वो उनका त्यौहार विशेष रूप से माना जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में माधवनगर थाने में एक छोटा आयोजन रखा गया है जिसमें सभी राष्ट्रीय त्यौहार को अच्छे से मना सके। बस यही एक चीज़ है जो अलग करती है आम पब्लिक से पुलिस या पैरामिलिट्री या आर्मी को, तो ये राष्ट्रीय त्यौहार है, हम भी इसको अच्छे से मनाएं, इसलिए सबके लिए आयोजन रखा। इसी तरह विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों सहित निजी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं के बीच ई कार्ड को लेकर विवाद हो गया। कहां सुनी से शुरू हुआ विवाद घमासान में बदल गया और जमकर लात घूंसे और चप्पल चली, जिससे वहां घूमने आए अन्य श्रद्धालु सकते में आ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
आइए डालते हैं उस वीडियो पर एक नजर। नाकाल कॉरिडोर में गाड़ी के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह श्रद्धालु एक दूसरे पर लात घूंसे और चप्पल बरसा रहे हैं। अब आपको अवगत करवाते हैं पूरे मामले से। दरअसल महाकाल लोक में चलने वाली ई कार्ट को लेकर संभवतः श्रद्धालु में विवाद हो गया, जिसके बाद उनमें मारपीट हो गई। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से दूसरे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी ने भी इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान में जुटी है। प्रकार का मामला हम ही खुद, जैसे कि सोशल मीडिया से एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा जी के पास में कुछ लोगों को आपस में झगड़ते हुए दिखाया जा रहा है। इसके संबंध में अभी थाने पर तो किसी ने ऑफिशियल रूप से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन जो भी वहाँ पर महाकाल के कैमरे लगे हैं उनको देख के संबंधित पक्ष पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग गश्त भी बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं सागर चावड़ा, अनुफाइनेंस डायरेक्टर उज्जैन से। सभी शहरवासियों एवं देशवासियों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और महाकाल बाबा से प्रार्थना करता हूं कि सभी को स्वस्थ रखे और मस्त रहें सभी लोग। यही मेरी दिल से नाम। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, माधोबाग उज्जैन क्लिनिक हेड, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि माधोबाग ने नए परिसर में अपना शुभारंभ किया है, तो इस नव वर्ष पर आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या मोटापा, किसी भी प्रकार के कोई रोग हो तो उसका पूर्णतः निदान व उपचार आयुर्वेदिक तरीके से माधोबाग में किया जा सकता है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं हमारे महाकाल होमकोर्ट की ओर से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और यूं ही जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद हमें इस शहर से मिला है और बाबा महाकाल की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी एक और ब्रांच, हमारी एक और जो शाखा, आपकी चहेती दुकान, आपका चहेता रेस्टोरेंट नाना खेड़ा पे भी ओपन होने वाला है जल्दी, आप उसमें अवश्य आएँ। और जो 26 जनवरी की जो रेस होती है, उस पर अगर कोई विशेष तौर पे अगर हमारे अगर कोई आता है तो अभय न्यूज की ओर से और हमारी ओर से उसको 20-30% का विशेष डिस्काउंट रखा गया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री माता। सड़क दुर्घटना में घायल नलखेड़ा के युवक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम बीरम खेड़ी निवासी जितेंद्र पिता बने सिंह और तेजाराम पिता बने सिंह निपानिया में कुरकुरे की फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों बुधवार रात 8 बजे काम खत्म कर बाइक क्रमांक MP70MD3092 से घर लौट रहे थे। तभी निपानिया में बस क्रमांक MP09FA4850 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ये कुरकुरा फैक्ट्री से जा रहे थे घर पे, छुट्टी हुई थी उनके 8 बजे और 8:15 बजे करीब उनका एक्सीडेंट हो गया निपानिया में। गाड़ी का नंबर मालूम नहीं, अभी नंबर याद नहीं। अच्छा, दोनों भाई के नाम बताएं। बड़े वाले का नाम है जितेंद्र बने सिंह और छोटे वाले का नाम है तेजाराम बने सिंह। कहाँ रहते थे? बीरम खेड़ी। फैक्ट्री से अपना काम खत्म कर घर जा रहे बाइक सवार दो भाइयों को बस ने रोंद दिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल 22 वर्षीय नलखेड़ा निवासी विष्णु पिता अशोक को 24 जनवरी को राधा स्वामी आश्रम ग्राम गुदरावन में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी।
जिसके बाद परिजनों ने उसे उज्जैन में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई। माधव नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। विष्णु पिता अशोक पिट्ठल उम्र 22 साल निवासी नलखेड़ा का सड़क दुर्घटना में दिनांक 24/1/23 को एक्सीडेंट से घायल होकर अर्थ हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इसके दौरान इलाज 25/1/23 को की मृत्यु हो गई थी, जो आज पीएम कराया गया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। और अब खबरें दे दनादन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी बुधवार को नगरपालिक निगम एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में शहीद पार्क पर भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम द्वारा नगर कोर्ट स्थित बुधवारिया हाट बाजार में सब्जी विक्रेताओं एवं नागरिकों की सुविधा एवं बाजार के सुव्यवस्थित संचालन के लिए पक्के ओटलों का निर्माण करवाया गया है। नवनिर्मित ओटलों का लोकार्पण बुधवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल एवं निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव द्वारा किया गया। नागरिकों को निगम से संबंधित सेवा सरलता से उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु निगम द्वारा यूएमसी सेवा ऐप तैयार किया गया है। यूएमसी सेवा ऐप पर नए फीचर को जोड़ा गया, जिससे नागरिक स्वच्छता संबंधित शिकायतें कर सकेंगे। 25 जनवरी मतदाता दिवस के अवसर पर नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।